आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास तौर से उनके लिए जो फ्रीलांस वर्क करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। और ख़ास तौर से आप नए हैं और आपको कोई भी नहीं जानता इंडस्ट्री में कि आप फ्रीलांसर्स हैं, तो क्या ऐसी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी ताकि आपको प्रोजेक्ट मिले, आपको नए क्लाइंट्स मिले जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो सके। तो गाइज़ इस वीडियो में यही सारी चीज़ें मैं आज शेयर करूँगा और आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बताऊँगा जैसे आप अपवर्क पे जाके अकाउंट बनाओ, फीवर पे अकाउंट बनाओ, फ्रीलांस साइट्स पे अकाउंट बनाओ। मैं सिंपल सा एक ऐसा स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मैं ऑलरेडी करता हूं और करता आया हूं आज तक, और जिसके थ्रू मैं क्लाइंट्स पाता हूं और फ्रीलांस वर्क करता हूं। तो गाइज़ जो स्ट्रेटजी है फ्रीलांस प्रोजेक्ट पाने का, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके पास एक स्ट्रांग प्रोफाइल होना चाहिए। तो आपकी अगर कोई वेबसाइट है या ब्लॉग है तो वहाँ पे आप अपनी एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक प्रोफाइल बनाइए, स्ट्रांग प्रोफाइल बनाइए जिस भी फील्ड में है। सपोज़ आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप चाहते हैं कि फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाया जाए और उस पर आप काम करके ऑनलाइन अर्निंग कर सको, तो इसके लिए आप अपनी प्रोफाइल स्ट्रांग कर लीजिए। आप अपने ब्लॉग पे या वेबसाइट पे अपनी एक प्रोफाइल बनाइए। उसके बाद सेकेंड जो करना होगा, आपको इंडस्ट्री वाइज चलना होगा। सपोज़ बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं तो, लेकिन उसमें आपको सॉर्ट आउट करना होगा कि कौन सी इंडस्ट्री में लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्क करते हैं या करवाना चाहते हैं या करवा सकते हैं। तो गाइज उसके लिए गूगल सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए आप एजुकेशन की इंडस्ट्री को लेके चलिए, कोर्सेज सेल कर सकता है कोई इंस्टीट्यूट है तो वो कोर्स वहाँ पे एडमिशन के लिए वो चीज़ सेल कर सकता है। तो सपोज़ आपको दो तीन चीज़ें मिल गई कि एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, कोर्स सेल, ये सारी चीज़ें। अब आप गूगल में सर्च करोगे कोई भी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे इंस्टीट्यूट सर्च करोगे, आप गूगल फर्स्ट पे टच नहीं करोगे, गूगल फर्स्ट पे जितने भी रिजल्ट आएंगे उससे मतलब नहीं है। आप जाओगे सेकेंड पेज पे, गूगल के सेकेंड पेज पे क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं और कितने रिजल्ट आए। उसमें आप देखोगे कुछ ऐसी वेबसाइट जैसे 10 रिजल्ट आपको मिलेंगे गूगल के सेकेंड पेज पे जब आप सर्च करोगे उसको। तो उसके बाद वहाँ से आप वेबसाइट्स को आप एक एक्सेल में मेंटेन करोगे सारी वेबसाइट्स में। उसके बाद पर्टिकुलर जो सारी वेबसाइट आपने बनाया है 20-25 जितना आप कर सको जितना आपके पास टाइम है उतने वेबसाइट्स का लिस्ट बना लो। आप उन सारी वेबसाइट्स को ओपन करो और एक बार एनालाइज करो आपको क्या लग रहा है कि इस पे SEO का काम हुआ है या काम और होना चाहिए या हो सकता है उस पे काम। क्योंकि जब कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, कोई वेबसाइट डेवलपर है तो जो जिस फील्ड में होता है तो वो वेबसाइट देख के उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या काम है इस पे कोई काम है या नहीं है। उसके बाद आपको उस वेबसाइट के बॉटम में या टॉप पे देखना होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा लिंक्डइन या सोशल साइट्स के आइकन्स होते हैं, आपको लिंक्डइन पे चले जाना है, लिंक्डइन के पेज पे चले जाना है उस वेबसाइट के। वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे एम्प्लॉई सेक्शन होगा। एम्प्लॉई सेक्शन में क्या करना है, आपको जो कंपनी का CEO, ऑनर या फाउंडर है उनको आपको सबको कनेक्ट करना है अपने लिंक्डइन पे। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट या एजुकेशन सेंटर्स की लिस्ट आपने निकाली उनके ऑनर, CEO, फाउंडर को अपने लिंक्डइन में ऐड करना है एज अ कनेक्शन। उनको रिक्वेस्ट सेंड कीजिए और ऐड कीजिए। अब सपोज़ आपने 5 या 60 लोगों को या 100 लोगों को आपने रिक्वेस्ट 2 या 3 दिन के अंदर सेंड कर दिया। अब उसमें से 50% जो है 50 लोग हैं जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आप जो जिस भी फील्ड में हो ना, जो भी स्किल्स है आपको उससे रिलेटेड उनको एजुकेट करना है। सपोज आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग कितना पावरफुल है उनकी इंडस्ट्री के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, आप इस चीज़ को एजुकेट करना है अपने कनेक्शन को जो लिंक्डइन में जो कनेक्टेड है आपसे, उनको एजुकेट करेंगे। एक दिन एजुकेट करेंगे, 2 दिन एजुकेट करेंगे, 3 दिन एजुकेट करेंगे। एजुकेट कैसे करेंगे, एजुकेट ऐसे करेंगे कि आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आर्टिकल शेयर करके, ब्लॉग शेयर करके, आपको उस जिस फील्ड में उससे रिलेटेड एक अच्छे ब्लॉग्स लिखने होंगे, आर्टिकल्स लिखने होंगे, वो चीज़ें शेयर करनी होंगी, आपके जो लिंक्डइन पे कनेक्शंस हैं उनके साथ शेयर करनी होगी वो लिंक। वो एजुकेट होंगे, धीरे धीरे आपको जानेंगे। उसके बाद आपने 50-60 लोगों को ऐसे मैसेज किया, ब्लॉग्स आर्टिकल आप शेयर कर रहे हो तो आपको देखना है कितने लोगों ने आपको रिप्लाई किया उस मैसेज का। सपोज 50 में 10 लोगों ने आपको रिप्लाई कर दिया या इट्स गुड, ग्रेट, थैंक्स, इस तरह से, यानी वो एक्टिव है लिंक्डइन पे और वो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उनकी वेबसाइट उठाओगे और गूगल पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑडिटर टूल्स मिल जाएंगे, जैसे ऊ रैंक हो गया, ऊ रैंक पे उनकी वेबसाइट डाल के
ऑडिट कर लोगे। वहाँ पे आप देखोगे उनकी वेबसाइट्स के जितने भी एरर्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी रिगार्डिंग SEO और डिजिटल मार्केटिंग, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो रिपोर्ट बनाओगे और आप बहुत ही स्मूथली उनको सेंड कर दोगे कि सर मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और आपकी ये वेबसाइट मैंने देखी, तो मैंने इसको ऑडिट किया, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये आप देख सकते हो, इसमें SEO की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको आप करते हैं, अगर ये रिजॉल्व होता है तो ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट करेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, ये चीज़ रिक्वेस्ट करोगे। तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है हर एक कनेक्शन के साथ जिनको आपने ऐड किया है। तो वहाँ से क्या है कि रिप्लाई आएंगे और पूछेंगे अच्छा आप कर सकते हो या फिर क्या चार्जेस होंगे अगर इसको फिक्स करवाते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन करते करते ही आप प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसे ही मिलते हैं। और ये मैंने प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी बताई है जो बहुत ही जेन्युइन स्ट्रेटजी है। मैं कभी भी अपवर्क या फीवर पे मैंने अपना अकाउंट नहीं बनाया है और आज करीब 50 या 60 क्लाइंट्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ और भी लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो नेटवर्क ऐसे ही बना। और एक बार लिंक्डइन पे जब नेटवर्क बन जाता है, स्ट्रांग नेटवर्क बन जाता है, तो आपको प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं और आप जैसे डेडलाइन के अंदर आप अपना अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं तो फिर वो रेफरल भी होते हैं। जो आपका एक क्लाइंट है अपने दूसरे किसी फ्रेंड्स को बोलेगा या किसी, क्योंकि जो कंपनी का ऑनर होता है तो उनके फ्रेंड्स भी कंपनी के ऑनर ही होते हैं, तो वहाँ से रेफरल भी लीड्स आपको मिलती हैं। तो गाइस जो मैंने स्टार्टिंग से बताया ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। आपको माइक्रो निशेस को लेके चलना है। आपको ब्लॉग्स और आर्टिकल्स जो बनाने हैं, जैसे आप कोई ब्लॉग कभी बनाओगे तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए बना दोगे, कभी बनाओगे एजुकेशन सेंटर के लिए, कभी ऑटोमोबाइल्स के लिए, यानी सारी इंडस्ट्री को आप कैप्चर करके चलना है। और इस तरह से आप अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हो और ऑनलाइन फ्रीलांस प्रोजेक्ट जो है आप कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में जो प्रोफेशनल्स लोगों के लिए। तो गाइज होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये स्ट्रेटजी आप अपनाइए और आप ये कमेंट में मुझे बताइए कि कितना इफेक्टिव रहा आपके लिए। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।